हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम सुपर मून या तो फिर पिंक मून के बारे में जानेंगे जो 8 अप्रैल 2020 को देखने वाला है। और इस वीडियो में हम यह सब जानेंगे कि ये जो नाम है पिंक मून या तो फिर ऑल्फ मून और मून, ये जो मून का अलग अलग नाम है ये कहाँ से लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, या तो फिर इंडिया में जो पूर्णिमा का नाम होता है अलग अलग, माघ पूर्णिमा, बसंत पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये कैसे होता है, या तो फिर सुपर मून ही क्यों, इसे सुपर मून क्यों कहा जाता है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 7 और 8 अप्रैल 2020 को इस साल का सबसे बड़ा मून दिखेगा। 7 अप्रैल वेस्टर्न कंट्रीज में और 8 अप्रैल इंडिया जैसे कंट्री में दिखेगा, क्योंकि यहाँ दिन में भी पूर्णिमा लगा रहेगा लेकिन जैसे ही शाम होगा तब मून दिखेगा, इसलिए 8 अप्रैल कहा गया है। सुपर मून का मतलब तो आपको आप जानते ही होंगे, या तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा अच्छा से कि पिंक मून क्यों नाम दिया गया है, या तो फिर ये नाम कहाँ से लिया गया है। क्या पिंक मून में चांद पिंक दिखेगा यानी गुलाबी कलर का दिखेगा? नहीं, चांद गुलाबी कलर का नहीं दिखेगा। चांद का जो नाम है वह इंडिया में अलग से दिया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में अलग से दिया जाता है। चांद का नाम नहीं, पूर्णिमा का नाम। जैसे कि हम लोग के यहाँ यानी इंडिया में गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, बसंत पूर्णिमा, इस तरह करके पूर्णिमा जो होता है उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक वेस्टर्न कंट्रीज में एक अलग ही रूल है नाम देने का। वहाँ पे फूल के नाम के ऊपर वहाँ का पूर्णिमा का नाम। ये जो अप्रैल माह का जो पूर्णिमा है जिसे हम लोग सुपर मून या तो फिर पिंक मून कह रहे हैं, यह अप्रैल का है। इसी तरह जो मई में वहां पे मून दिखेगा उसे हम फ्लावर मून कहेंगे, उसे फ्लावर मून कहा जाएगा। उसी तरह जून में दिखेगा उसे बक मून कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह जनवरी माह में जो मून दिखा था उसका नाम था ओल्फ मून, और मार्च में दिखा था वह था ओर्म मून। जनवरी माह में जो मून दिखा गया था उसे वेस्टर्न कंट्रीज के अनुसार कहा गया था ओल्फ मून, ओल्फ मून। उसी तरह मार्च मार्च में जो मून दिखा था ओर्म मून। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में जो पूर्णिमा का नाम होता है वो फ्लावर के ऊपर होता है, ये अप्रैल माह में जो फूल है, अप्रैल माह में जो फूल है उसका नाम है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स एक फ्लावर है जो कि पिंक कलर का होता है, उसी के नाम के ऊपर इसे पिंक मून कहा जाता है। इसके बाद वाले महीना में जो मून दिखेगा उसे फ्लावर मून कहेंगे, उसके बाद वाले जो महीना में दिखेगा उसे बक मून कहेंगे। जनवरी में था ऑल्फ मून, मार्च में था ऑर्म मून, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अपना एक अलग नाम होता है, जैसे कि माघ माह में जो पूर्णिमा होता है उसे हम लोग माघ पूर्णिमा कहते हैं, चैत्र माह में होता है चैत्र पूर्णिमा, फिर गुरु पूर्णिमा, इसी तरह करके अलग अलग पूर्णिमा, बसंत पूर्णिमा, उस तरह करके नाम दिया जाता है। बट वेस्टर्न कंट्रीज में फूल के, फ्लावर के रंग या तो फिर उसके नाम के ऊपर ही पूर्णिमा का नामकरण किया जाता है। अब हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि सुपर मून का मतलब क्या होता है। सुपर मून का मतलब इसे 8 अप्रैल को जो मून दिखेगा उसे सुपर मून कहा जाता है। ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून रोटेट करता है। जब मून रोटेट करते करते जब सबसे सामने आ जाता है और उस वक्त अगर पूर्णिमा हो तो उसे कहा जाता है सुपर मून। जैसे पूर्णिमा हमेशा ही होता है सन के ऑपोजिट में, मान के चलिए इधर अगर सन है, इधर सन है तो पूर्णिमा यहाँ लगेगा यहाँ पे, और ये अगर सामने होगा मतलब 356,907 किलोमीटर, 356,907 किलोमीटर जब सामने आ जाता है तो, और जब अधिक डिस्टेंस में रहता है, अधिक डिस्टेंस में रहता है मान के चलिए कि इधर, या तो कहीं दिखा दे रहे हैं, अधिक डिस्टेंस 384,407 किलोमीटर जब सामने आया और पूर्णिमा अगर हुआ तो फिर उसे सुपर मून कहा जाता है। घूमते घूमते वह जब सामने आ जाता है और उस दिन अगर पूर्णिमा रहता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है, वो बहुत सामने रहता है। और पिछले एक वीडियो में मैंने ये क्लियरली बताया था कि पूर्णिमा में ज्यादा ठंडा और या तो फिर अमावस्या में ज्यादा ठंडा होता है। वह वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा।
आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा कि मून का वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे नामकरण किया जाता है, इंडिया में कैसे नामकरण किया जाता है। एक्चुअली में वही टॉपिक बताने के लिए वीडियो बनाया गया था। ये टॉपिक तो आम वीडियोज में मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ।